हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर एक्सेल के द्वारा अगर हमें कोई इनवाइस क्रिएट करने हो, टैक्स इनवाइस बनाने हो, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए किस किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया, जिस फर्म के लिए इनवाइस बनाना है वो हमने वहां पे उसका नाम लिखा है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद से मैंने क्या किया है, उसका एड्रेस भी मेंशन कर दिया है और हमने यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवाइस। मतलब ये एक ऐसा इनवाइस हम जनरेट कर रहे हैं जिसमें टोटल अमाउंट में टैक्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे हम 100 रुपये का सामान खरीद लिए, उसमें 1 भी% टैक्स नहीं है। अगर वह बिल बना के देते हैं लोग, तो हम नॉर्मल इनवाइस बोल सकते हैं या बिल ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं। लेकिन वही 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जा रहा है, उसे बोलते हैं क्या, टैक्स इनवाइस। इसके लिए गवर्नमेंट खूब रूल दिए हैं बहुत सारे, तो हम टैली जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बस इतना समझिए, हम एक टैक्स इनवाइस जनरेट कर रहे हैं। मतलब हमारा जब कस्टमर आ रहा है, ऐसा सामान खरीद रहा है जिस पे टैक्स लागू हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में हमको क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स इनवाइस बना के देना पड़ेगा। इससे मतलब मैक्सिमम कार्य हमारे जो हो जा रहे हैं वह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हो रहे हैं, फिर भी हम एक्सेल के माध्यम से भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहला है वह है कस्टमर नेम। मतलब जो कस्टमर होगा, हमने उसका नाम लिख दिया है रोहन शर्मा। उसके बाद से किस डेट को हमसे खरीदा है, वह हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया है। उसके बाद से उसका एड्रेस क्या है, वो मैंने एड्रेस टाइप कर दिया है। और जो हम बिल बना के दे रहे हैं, इनवाइस नंबर क्या है, वो हमने इनवाइस नंबर दे दिया है। मतलब पहला भी इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं हम, इसीलिए 001 दे दिया। दूसरा बनाएंगे तो 002, तीसरा बनाएंगे 003, ऐसे हमारा इनवाइस हम बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद से उसको बेच क्या रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और मैंने 5 प्रोडक्ट बेचा है और हमने नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5। कैसे देंगे आपको पता है कि नंबरिंग देने का प्रोसेस क्या है। उसके बाद हमने लिखा है प्रोडक्ट नेम, मतलब किस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, तो डेल माउस सेल कर रहे हैं, डेल का कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, डेल का मॉनिटर सेल कर रहे हैं, यूएसबी मॉडेम सेल कर रहे हैं और सीपीयू सेल कर रहे हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब कितना पीस या कितना केजी या कितना लीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डेल माउस है, तो इसको लीटर में तो रखेंगे नहीं, केजी में तो रखेंगे नहीं, ग्राम में तो रखेंगे नहीं, टन में तो रखेंगे नहीं, इसको रखेंगे किस में, पीसेस में। इसलिए हमने क्वांटिटी में बताया 4, मतलब 4 पीस है, यहाँ 10 पीस है, 5 पीस है, 2 पीस है, 2 पीस है। क्लियर है। अब उस क्वांटिटी मतलब एक पीस का रेट क्या है, वो हमने प्राइस रेट वही है, वो हमने रेट भरा है कि एक कीबोर्ड मतलब एक डेल माउस का रेट है 300, एक डेल कीबोर्ड का रेट है 400, डेल मॉनिटर मिलेगा 8,000 में, यूएसबी मॉडेम मिलेगा 1,050 में, सीपीयू मिलेगा 15,000 में। मतलब जो जितना जिसका रेट था, हम जितने में बेचे थे उसको, वो हमने रेट भी मेंशन कर दिया है। अब यह रेट मेंशन करने के बाद से अब हम क्या किए हैं, यहीं से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए। अब वही कैलकुलेशन करना हम लोग को सीखना है, तो चलिए आते हैं और इसको सीखते हैं। तो आपको पहले से पता है कि क्वांटिटी जो है और जो उसका रेट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंगे हम लोग इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। तो क्वांटिटी सेलेक्ट किया हूं, इनटू किया हूं,
रेट लिया हो और इंटर बटन दबा दिया, आ गया 1200। बस यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और जैसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे निकल के आ जाएगा डाटा बिल्कुल सबका। यहाँ तक किसी को दिक्कत आप लोग कर ले जाओगे, तो ये हमने बताया और आप लोग कर ले जाते, यहाँ तक बना लेते, इसीलिए हमने आपके सामने नहीं बनाया है कि बाबू ये नाम लिख रहे हैं ये एड्रेस लिख रहे हैं, हम इसलिए लिखे हैं कि हमारा टाइम बचे, ठीक है, नहीं तो हम लोग 10-20 मिनट लिखेंगे, 20 मिनट तुम लोग लिखोगे, टाइम ज्यादा जाएगा। और हम बना के रखे हैं, बस यहाँ पे आप लोग देख लो क्या फॉर्मेट है, आप लोग भी ऐसे बना लेना, जहां जहां कैलकुलेशन करना मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे अमाउंट ज्ञात करना है कि चलो ये तो रेट के हिसाब से अमाउंट टोटल निकल के आया, अब इन सबका अमाउंट क्या होगा, कितने लाख रुपए का बेचा हूँ, कितने हजार का बेचा हूँ, ठीक है। तो जो क्वांटिटी देखो यहाँ पे चेंज भी कर देंगे, अगर 400 कर देते हैं तो यहाँ पे देखो 1600 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार वैल्यू भर दिए और बाद में कैलकुलेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक काम करता है, हम शुरू में ही पढ़ाए थे आपको। अब चलिए हमें अमाउंट ज्ञात करना है, तो आप लोग पहले से पता है कि बिना कंडीशन के अगर हमको जोड़ना हो टोटल अमाउंट तो क्या लगाएंगे बोलो, सम लगाएंगे या प्लस प्लस करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर क्यूकली जोड़ना हो तो एक और तरीका बताए थे, ऑल्ट के साथ इक्वल क्या दबा देंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल, जैसे अल्ट के साथ इक्वल करेंगे आ गया इक्वल सम और पूरा वैल्यू सेलेक्ट हो गया, अब बस इंटर दबा देंगे निकल के चला आएगा। मतलब ऑटो सम का शॉर्टकट भी क्या है, अल्ट प्लस इक्वल। और आप लोग पहले से पढ़े हो जानते भी हो, नहीं जानते हो तो नोट कर लेंगे, ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस इक्वल। कभी भी जोड़ना है पूरा वैल्यू और कंडीशन वहां पर नहीं लगाना है तो आप आराम से दबाइए अल्ट के साथ इक्वल, उसे बोलते हैं ऑटो सम, ऑटोमेटिक उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और इंटर बटन दबाते ही वैल्यू निकल के चला आएगा। हाँ अपने जी क्या कुछ नहीं किया हूं, जितना पीस बेचा हूं 4 पीस बेचा हूं और 1 का रेट है 400, तो इसे गुणा करो कितना आएगा, अच्छा कितना आएगा, 15,000। मतलब हमें सुनाई दे 15,000, ठीक है, कितना आएगा, मतलब गुणा कर लेंगे, अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो नहीं कर पाएंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, तो कम है हमें पता है 400 है, 1 का रेट है 400, ठीक है, और 4 पीस है तो 1600 हो जाएगा, और 10 है और 1 का रेट है कितना 400, तो 4,000 हो जाएगा। तो क्या किया हूं मैं, कुछ नहीं किया हूं, गुणा कर दिया हूं, इक्वल क्वांटिटी जो है उसको सेलेक्ट कर लिया हूं, इनटू किया हूं जो रेट है उसको सेलेक्ट कर लिया हूं और इंटर दबा दिया हूं, आ गया है, बस खींच देंगे। हाँ अब तो सर पूछे हैं तो आप हमसे क्यों पूछे हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम 10 बार पढ़ा चुके हैं जो सेक्सल पढ़ा रहे हैं, गुणा करना, फिर भी पूछ रहा सर जी बताइए, आप बताओ क्या पढ़ाने का 10 बार मतलब है, गुणा करना कितना बार सिखाया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये पॉइंट हम 10 बार गुणा करना तुमको बताएंगे, कब तक सीखोगे बताओ। ठीक है अच्छा पूछो, तब खाली पूछने से काम चलाओ, उसके बाद से आते हैं इस पूरे वैल्यू को जोड़ लेना है, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को जोड़ने के लिए आपको कई सारे तरीके पढ़ाए थे, सबसे अच्छा है अल्ट के साथ इक्वल करिए और इंटर दबा दीजिए, वैल्यू निकल के आ गया 77,700, मतलब टोटल रोहन शर्मा को हमने बेचा है कितने का जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत,
चलिए, अब ऐसा होता है कई बार हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पे चाहे कितना वो अमीर हो जाए, लेकिन एक बार तो अपने जुबान से निकाल ही देता है कि डिस्काउंट कितना देंगे। ठीक है, तो जहां डिस्काउंट रहता है वहां पे मिलता है, और जहां नहीं रहता तो कहता एक दाम, दूसरा दुकान देखिए। तो बहुत सारे ऐसे दुकान है जहां पे एक भी रुपया नहीं मिलता है छूट, और कई सारे ऐसे दुकान है जो पहले से 1,000 रखा है, वो जानता है कि छुड़ाएगा तो 800 में बेच देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो एकदम रखेगा 800 रखेगा, छुड़ा नहीं सकते हो भले चले जाओ। कुछ है उसी कपड़े को 1,000 कहेगा, 200 छोड़ देगा, 800 फिर से बेच देगा। ठीक है, तो अलग अलग है, आप लोग देखना ऐसा होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि कहीं जाइए केवल डिस्काउंट पे जाइए। ठीक है, दो चार दुकान पे जाना पता चल जाएगा आपको। कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, उसी रेट पे देते हैं, और कुछ लोग छोड़ देते हैं, देखना वही पड़ता पड़ता। कुछ लोग पहले चढ़ा बढ़ा के ले लेते हैं कि चलो गांव के लोग आते हैं खूब छोड़ाते हैं, तो 1,000 हम रख देते हैं, कितना छोड़ाएगा, बहुत छोड़ाएगा, 100 150 200 जाएगा, 800 फिर से मिल ही जाएगा। कपड़े पे एमआरपी जानते ही हो कितना रहता है। ठीक है, तो आते हैं, सपोज मान लो डिस्काउंट जहां पे हम सेल कर रहे हैं, और जो कस्टमर है हमारा कंपनी हमारा फर्म डिस्काउंट उनको दे रहा है, तो देखो दो तरीकों से दे सकता है। एक तो तरीका है कि 77,700 है, चलो ऊपर वाला जो बैलेंस है 700 छोड़ देता हूँ, अमाउंट को रुपए बता देगा। और कई लोग कहते नहीं क्या, हाँ परसेंटेज के रूप में, चलो इसका 10% दे देता हूँ, 5% दे देता हूँ, 2% दे देता हूँ, मतलब जितना परसेंट लेस करना होता है वो बताता है। ठीक है, तो चलो सपोज हम अगर अमाउंट में होगा तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि कितना डिस्काउंट लेस कर रहे हैं, 700 लिख देंगे, 500 लिख देंगे, 1,700 लिख देंगे, 1,000 लिख देंगे, जितना होगा वो लिख देंगे। लेकिन अगर वही परसेंटेज में हो तो भी निकाल सकते हैं, इक्वल जितना टोटल वैल्यू है इनटू, सपोज वहां 10% मिल गया है, कितना 10%, तो लिखेंगे 10/100। ठीक है, और इंटर बटन दबा देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने बता दिया, तो यहाँ पे अमाउंट निकाल दिया, उसके बाद से डिस्काउंट जितना लेस हुआ वो दिखा दिया। अब देखो हमने हेडिंग दिया टैक्सेबल अमाउंट, अब दोनों में देखो अंतर क्या है। तो देखो जब हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जितना खरीदते हैं और जो टोटल अमाउंट आता है टैक्स के पहले, उसे हम केवल बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको? टैक्सेबल अमाउंट। आपको सर ये अमाउंट क्यों लिखे? हम अमाउंट इसलिए लिखे हैं कि इसमें डिस्काउंट देना था, इसलिए मैंने अमाउंट लिख दिया है, और छूट करके और यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल अमाउंट। मतलब टैक्सेबल अमाउंट वह पैसा होता है, ठीक है, जो डिस्काउंट के बाद बैलेंस आता है और उस पर टैक्स लागू होता है, मतलब टैक्स लगाना है। जैसे मान लो यही मार्कर है और मैं बोल दिया कि इसको 20 रुपए में बेचूंगा, 20 रुपए बोला, चलो हम 20 रुपए में बेच भी दिए, 2 पीस खरीदा 40 हो गया। अब कह रहा है कितना छोड़ दोगे, तो हमने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद जो बैलेंस आता है उसी पे टैक्स लगता है, ऐसा नहीं डिस्काउंट वाले पैसे पे भी टैक्स लगता है, नहीं, जो डिस्काउंट के बाद बैलेंस आता है उसी पे टैक्स लगता है, क्योंकि उसी का हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहता तुम कितना छोड़े उसका मतलब नहीं, उस कस्टमर से कितना पैसा ले रहे हो उसमें कितना टैक्स लागू हो रहा है उतना पैसा हमको देना। ठीक है, तो इनका जब बेचे तो जो टोटल 77,700 हुआ, ये गवर्नमेंट इस पे अगर आप छूट नहीं देते तो उसी पे लेता, फिर आप छूट दे दिए तो गवर्नमेंट कहे कोई बात नहीं कस्टमर को छूट दो। ठीक है, तो डिस्काउंट कर दिया ना, लेस कर दिया 77,700, ठीक है, 70 रुपया। अब उसके बाद माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी पे टैक्स लागू होगा, अब चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 12% हो, या 12% हो, या 28% हो, या 3% हो, यही जीएसटी के रूल में है। ठीक है, अभी मनमानी नहीं है कि कोई 2 लगा दिया, कोई 4 लगा दिया, कोई 5 लगा दिया, कोई 10 लगा दिया,
ठीक है, एक टेबल बनाया गया, थ्री से चालू हुआ है, जीरो पे है, थ्री पे है, फाइव पे है, ठीक है, 12 पे है, 18 पे है, ठीक है, 28 पे है, ये सब टैक्स के कैटेगरी बनाया गया है। तो सपोज जितना परसेंट होगा हम लगाएंगे, तो इसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट मतलब वो पैसा जिस पे टैक्स लागू होने वाला है, टैक्स लगेगा और टैक्स और ऐड होगा, उसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो चलिए देखते हैं निकाल के, इसके लिए क्या करेंगे आप बोलो, इक्वल करेंगे और अमाउंट जो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे कितना जो जितना है, इंटर दबा देंगे, टोटल कितना आ गया, क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए अब इतना निकालने के बाद से सपोज मान लो जो प्रोडक्ट ये खरीद रहे हैं और हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, कितना 18%। इसमें जीएसटी का रूल है कि अगर 18% होगा तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जिसे बोलते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी। सी जीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस जीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका रूल क्या होता है, जब हम जीएसटी पढ़ाऊंगा टैली में तो आपको समझाऊंगा, बस इतना समझिए टैक्स लागू हो रहा है। सी जीएसटी ये केंद्र सरकार के खाते में जाता है बैलेंस, या जीएसटी ये राज्य सरकार के खाते में जाता है, ध्यान रहे, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या है, यह टैक्स ऐसा है जो गुड्स और सर्विस पे लागू होता है, किस पे, किसी वस्तु पे और किसी सेवा पे लागू होता है, ठीक है। पहले ऐसा रूल नहीं था, मनमानी था, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था कुछ स्टेट को, कितना सेंट्रल ये भी फिक्स नहीं था, कितना स्टेट ये भी फिक्स नहीं था, अब बहुत दिक्कत होती थी। अब रूल क्या है, कब जीएसटी है, सब हम लोग जब टैली पढ़ेंगे तो समझेंगे, बस इतना समझिए बिल पे आ जाए तो परेशान मत होना कि भाई कौन सा टैक्स है और ये कौन सा टैक्स है, ये दोनों जीएसटी है, बस हम अलग अलग करके लिखे जिससे समझा सके आपको कि सेंट्रल कितना लगा है और स्टेट कितना लगा है। तो इस पूरे आइटम पे 18% है, तो बस कुछ नहीं करना है, आ जाएंगे और करेंगे इक्वल, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, करेंगे इनटू कितना परसेंट, 9 डिवाइड बाई 100, तो आ गया 6293 रुपया, देख लो। फिर से इक्वल करेंगे, अभी फिर से लिखेंगे क्या, टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9 डिवाइड बाई 100, उसके बाद राउंड अप लिखा हूं, तो राउंड अप वो वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब हमारा क्या हो, वो अमाउंट दशमलव में है, इसमें आए दशमलव में आए, ठीक है, तो दशमलव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखो जब दशमलव में अमाउंट आता है अगर 49 पैसे से कम है तो उसको जीरो माना जाता है, और जब 49 पैसे से ज्यादा हो तो उसको 1 रुपया मान जाता है, उसे बोलते हैं राउंड, हम फिगर किए राउंडिंग किए हैं, क्योंकि अब पैसे में कोई वैल्यू देगा नहीं, तो कभी नुकसान होता है और कभी फायदा होता है। तो रूल है राउंड अप का कि 49 पैसे से कम होगा उसको जीरो मान जाया जाएगा, और 49 पैसे से ज्यादा होगा तो उसको 1 रुपया माना जाएगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा भी लगभग कितना है, 70 पैसा है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए हमें राउंड अप लगाना पड़ेगा। अब राउंड कब लगाएंगे, तो हम कहीं टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लेते हैं इंसर्ट करा के, एक्सेल रो, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं कितना वैल्यू आ जा रहा है, कितना आ रहा है बोलो, इक्वल करेंगे और 69 प्लस, माइनस माइनस कहाँ करेंगे, 62 प्लस इंटर दबाएंगे, तो 82,517, रुको यार पहले पहले समझ लो तुम्हें क्या बता रहा हूँ। क्या आपने दोनों एक ही में से निकाला,
अरे रुकिए बता रहे, टोटल जो वैल्यू आया है वो आया 69,930 रुपया, समझिए। इस पे टोटल जो टैक्स लागू वो 18% होगा। अब 18% में आधा मोदी जी ले लेगा और आधा योगी जी ले लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स लेगा 9% और स्टेट टैक्स भी लेगा 9%, इसी पैसे में तो 9% 62-93 इनका भी आएगा और 62-93 इनका भी आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो हम दो बार निकाले 9% और 9% दोनों, और यह पैसा जो होगा जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है और जो टैक्स लागू है पूर्व छोड़ेंगे तो 82,517 आएगा कि कस्टमर को देना होगा। तो आया क्या पूछ रहे थे आप? चलिए तो क्लियर हुआ ना जी। अब देखो क्या हुआ, हम राउंडअप क्यों लिए हैं यहाँ पे, बस आपको समझा सके। राउंडअप का मतलब यह है कि दशमलव में अगर 49 पैसे से कम हो उसको जीरो माना जाता है, 49 पैसे से ज्यादा हो तो उसको 1 रुपया माना जाता है, राउंड फिगर किया जाता है। अकाउंटिंग का रूल है, हम नहीं कर रहे, अकाउंटिंग का रूल है। इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, राउंड लगाएंगे। कैसे? इक्वल लिखेंगे राउंड। क्या लिखेंगे? राउंड। और पूछेगा क्या नंबर, तो हम वैल्यू बता देंगे, कामा कर देंगे और लगा देंगे जीरो। वो इतना समझदार है वो समझ जाएगा, अगर 49 पैसे से कम है तो माइनस कर देगा, अब 49 पैसे से ज्यादा है तो प्लस कर देगा। चलो इंटर दबाते हैं। तो 40 पैसा था, 49 पैसे से कम था तो ज्यादा था, कम था उसी को देखो, 17 रुपया जो 40 पैसा था उसको कितना कर दिया, 17 रुपया कर दिया, मतलब उतना पैसा घटा दिया। और वही वहां पे ज्यादा रहता तो अब 17 की जगह 18 हो जाता, बस वही बैलेंस क्या होता है यहाँ, बस यहाँ पे आ जाएगा 82,517। यही कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी छूटा छूटा नहीं, नहीं ये छोड़ दो और छोड़ दो, सब हिसाब क्लब क्लियर है, इतना इनको पैसा देना पड़ेगा। और इसी इसी पे ये गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे और अपना टैक्स लेंगे और देंगे। वो अलग रूल है टैक्स का, अभी पढ़ा नहीं रहे, बस एक बिल कैसे बनाते हैं वो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। जी अरे यार उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखो हम कह रहे हैं अभी पहले तुमको टैक्स वाला नहीं डिटेल पढ़ा रहे, अब दवा जो खरीदने जाते हो पता ही 10 रुपए का है, उस वो 10 रुपए इंक्लूसिव टैक्स रहता है, उसी 10 में टैक्स वो ऐड रहता है, ठीक है। अब कुछ सामान होते हैं खरीदने के बाद टैक्स लागू होता है, ठीक है, तो तुम अभी देखते नहीं हो पहले इसमें जाना। तो जो कपड़ा खरीदते हो 300 का, तो पहले से टैक्स सब ऐड कर देता है, बाद में बताएगा टैक्स वाला दो तो हम नहीं देंगे, ठीक है, तो पहले से दे दे। वो अपना समझदारी करता, मतलब बिजनेसमैन समझता है क्या करना। अभी कभी तुम लोग को कच्चा बिल हमेशा देते हैं, पक्का बिल नहीं देते हैं सर, जब बनाते गवर्नमेंट को भेजते तो पक्का बिल बना के भेजते हैं। जाते हो आप लोग 500 खरीद दे दो काट के दे देगा, लेकिन गवर्नमेंट पक्का बिल बना के दो तो बहुत कम दे देगा, कहने हमारे पास नहीं दूसरे जगह जाएगी। और जानते हो जब तुम चले जाओगे ना तो वही दिखाएगा 400, और टैक्स पर कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स हम नहीं पढ़ा रहे आपको, बस इनवाइस में बिल बनाना बता रहे, ऐसे होता है, इसे बोलते हैं टैक्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हां जी, इस्तेमाल हम यही खरीद रहे हैं फोन, अब रेट देख लिए 12,000, तो समझे 12,000 पे ना टैक्स वो है, देख लेना फोन पे कितना परसेंट टैक्स है, निकाल लेना फोन कितने का पड़ेगा, ठीक है। हमारे कपड़े पे 12% है, अब समझ जाओ 200 मिला अगर 12% निकाल ले, पता नहीं अलग से 12% दीजिए। देखिए कस्टमर जब खरीदता है बिजनेसमैन तो पक्का बिल ले, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा।